हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी जो फूड पांडा की कुछ वीडियोस थी, मैंने एक साल पहले बनाई थी अपनी। उनके नीचे जो ज़्यादातर कमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि अगर इतने ही पैसे आ रहे थे फूड पांडा से तो आपने बंद क्यों किया, या कुछ ये आते हैं कि आप तो फ्रॉड हैं, इतने पैसे तो हमने नहीं कमाए, हमारा किचन तो बिल्कुल बंद जा रहा है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, हमें गुमराह कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक वीडियो बना के बताऊं कि भाई मैंने क्यों छोड़ा, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, और कौन लोग हैं जिनको वो स्टार्ट करना चाहिए, किन के लिए प्रॉफिटेबल है, और आप लोग क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपको किचन में नुकसान ना हो। अच्छा, जिस टाइम में मैंने किया था फूड पांडा तब कोई रजिस््ट्रेशन फ़ीस नहीं थी, या बल्कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं थी। उसके बाद पहले उन्होंने 5,000 की, फिर 7,000 की, फिर 8,000, और अब शायद 10,000 है, बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट करके बताया है। ठीक है, जब मैंने किया था ना, 1.5 साल पहले किया था मैंने। अब मेरे मम्मा पापा का काम है फूड बिज़नेस ही था, ठीक है, और जून जुलाई में उनका काम बंद होता है। हमने वो उस टाइम में स्टार्ट किया था, और हम लोग सारी चीज़ें घर पे बनाते थे। हमारा मेन आइटम पास्ता था, और पास्ता की मैंने बहुत सारी वैरायटीज़ रखी हुई थी, और मुझे अच्छा पास्ता बनाना आता है। तो लोगों को कम प्राइस में जब इतना फैंसी पास्ता मिल रहा था ना, तो हमारा बहुत रनिंग आइटम था। मैंने ये बताया था कि एक टाइम पे हमने उससे लाखों कमाए थे, और ये बात बिल्कुल सच थी, किंडर बिस्ट्रो के नाम से। एंड आई सो रिग्रेट कि उस टाइम में मुझे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लेने चाहिए थे, कि मैं दिखा सकती लोगों को कि कितने अच्छे रिव्यूज़ आए हुए थे। लोग खाना खाने के बाद कमेंट्स करते थे, और बिल्कुल 4.5 की रेटिंग पे रेस्टोरेंट चल रहा था। ठीक है, अब बात ये थी कि देखो, हर इंसान को ग्रो करना होता है, वो हमारा कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं था, हमारा अपना बिज़नेस था ऑलरेडी। तो जब जून जुलाई ख़त्म हो गया, फिर भी हमने पूरा साल काम किया उस पर, बट एक टाइम आया जब हमारे पास काम ज़्यादा हो गया था। मेरे अम्मा अब्बा हैं सिर्फ, वो नहीं किसी को अपने साथ ऐड करते, हम सिर्फ घर वाले ही रहते हैं, तो वो काम बढ़ रहा था, और मतलब हम क्यों करते जब हमारा एक काम सही था। अब हमने वो इसलिए भी बंद किया, दूसरा मेरी पढ़ाई होती थी और मेरी अपनी प्रॉपर जॉब है, तो मैं उस जॉब से हट के घर के कोई काम नहीं करती। बाकी मेरे भाई वो मम्मा पापा के साथ होते हैं, तो उनके पास भी टाइम नहीं था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने छोड़ा, क्योंकि हमारे पास करने को और बहुत अच्छे काम थे, और हमें उनसे ज़्यादा अच्छा पैसा आ रहा था। बात ख़त्म। तो अगर आपको नुकसान हो रहा है ना, तो आपको ये देखना है कि नुकसान आपको हो क्यों रहा है। या तो आपकी रेटिंग ख़राब चल रही है, उनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो इतना एक्टिव है, उनसे बात करो, उनसे बोलो भाई मुझे नुकसान हो रहा है, मैं बैकआउट कर रहा हूँ। उनको ख़ुद आपके कमीशन, आपकी वजह से कमीशन मिलता है, तो वो नहीं चाहते कि आपका रेस्टोरेंट बंद हो। ठीक है, उनसे बात करो, उनको बताओ। पता है मैं कितनी कितनी देर तो उनके सपोर्ट के साथ बैठ के रेस्टोरेंट की चीज़ों पे काम करती थी, पिक्चर सेट करना, और नाम चेंज करना, प्राइसिंग सेट करना, कॉस्टिंग सेट करना, वो करते हैं कॉपरेट। आप उनका दिमाग खाओ, उनका काम ही यही है कि आपको सपोर्ट दें वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यूट्यूब पे हर वीडियो देखो कि कैसे बेहतर बनाएं अपने काम को, क्योंकि मैं तो अब वो सब छोड़ चुकी हूँ, और मेरे पास और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो बनाऊँ। और हाँ, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने इसलिए भी बनाना बंद की फूड पांडा की वीडियोस, क्योंकि वो कोई एलिगेशन लग रही थी उन वीडियोस पे कि रिस्ट्रिक्शन के भाई रिमूव हो गई थी मेरी वीडियोस इतने हज़ारों व्यूज़ के बाद, तो दिल ही दुख गया। स्टार्टिंग का चैनल था मेरा, और 25,000 मेरे व्यूज़ थे और रिमूव हो गया था, तो आई वाज सो हर्ट, इसलिए मैंने बनाना छोड़ दी थी। आई होप इस वीडियो पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस ना लगें। एनीवेज, अब मैं दुबई जॉब्स पे और पाकिस्तान की अच्छी बड़ी कंपनीज की जॉब्स पे वीडियोस बनाती हूँ। अगर नए हो मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर देना। CV बनवानी हो तो मैसेज कर दो मुझे, अच्छी सी CV इंटरनेशनल फॉर्मेट की मैं बनाती हूँ। और चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो जितने भी न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ हैं बिज़नेस के, जॉब्स के, वो सब मेरे चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं घर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।